नमस्ते बच्चों, सीएलईज के सीबीएसई स्कूल चिकोड़ी कक्षा सातवीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, अनोखा उपहार। अब अनोखा यानी कि क्या होता है? अनोखा यानी कि यूनिक, कोई स्पेशल गिफ्ट। हाँ, तो उपहार का अर्थ होता है बच्चों गिफ्ट। हाँ, तो बच्चों अनोखा यानी कि स्पेशल गिफ्ट हम किसी को क्यों देना चाहते हैं? हाँ, कौन कौन से ओकेजन पर हम स्पेशल गिफ्ट देते हैं? हाँ, या तो हम देखते हैं कि नामकरण सोला हो, गृह प्रवेश हो, या तो किसी का बर्थडे हो, है ना। हम ऐसे ओकेजन पर गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट देना पसंद करते हैं। अब स्पेशल गिफ्ट वो क्या होता है सोचिए। आपके मम्मी या पापा का घर में बर्थडे है तो आप क्या करते हो? उसके लिए अच्छे से ग्रीटिंग तैयार करते हो, है ना। और उनको, क्योंकि उनको क्या होना चाहिए, वो हमेशा के लिए उनके मन में आपकी यादें रहनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आपके मन में उनके प्रति बहुत प्यार और स्नेह होता है, इसलिए क्या करते हो आप? अपने स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट बनाते हो, है ना। अब देखिए, आपके दोस्त का बर्थडे है या तो आपके भाई बहन का है या तो आपके चाचा चाची का है, सोचिए आप क्या क्या करते हो। अब आपका उपहार जो है, आपका गिफ्ट जो है, स्पेशल होना चाहिए, है ना। अब इस स्पेशल के लिए आप क्या करते हो? मार्केट जाते हो, बहुत सारा शॉपिंग करते हो, और ये भी आप सोचते हो कि मेरा जो गिफ्ट है, मेरे दोस्त को हो या मेरे मम्मी पापा को हो या मेरे चाचा चाची को या भाई बहन को, वो क्या रहना चाहिए? हमेशा के लिए उनकी यादों में रहना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, है ना। और ये सब क्या दर्शाता है? आपका उनके प्रति जो प्यार है वो दर्शाता है, है ना। इसीलिए आप क्या करते हो? एक स्पेशल गिफ्ट लाने की कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, है ना। तो ऐसा ही एक पाठ जो है हमारे पाठ्यपुस्तक में है, जिसका नाम है अनोखा उपहार। अब ये अनोखा उपहार, अनोखा यानी कि यूनिक गिफ्ट क्या है, ये इस पाठ्यपुस्तक से हम सीखने वाले हैं, इस पाठ से हम सीखने वाले हैं। तो चलिए पाठ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। शुक्रवार को अनुपम स्कूल से घर आया, वह बहुत उदास था। यहाँ पर जो अनोखा उपहार, ये जो पाठ दिया गया है, इसकी विधा है वार्तालाप, यानी कि बातचीत के माध्यम से आपको समझाया गया है कि एक गिफ्ट का मूल्य क्या होता है, गिफ्ट देना यानी कि क्या होता है। तो अनोखा उपहार इस पाठ के माध्यम से अनुपम नामक एक छोटे बच्चे का जो किरदार है, वो किस प्रकार अपने दोस्त को एक सुंदर सा अनोखा उपहार देता है, देखिए। तो शुक्रवार के दिन अनुपम जो है वो स्कूल से आता है और बहुत ही उदास होता है। तो उसकी माँ क्या कहती है, देखिए, अनुपम यूनिफॉर्म बदल कर हाथ मुंह धो लो। अनुपम, ठीक है माँ। अनुपम कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट गया। जो उसकी माँ है, अनुपम को देखती है घर आने के बाद, वो उसको क्या कहती है कि ए अनुपम, हाथ मुंह धो लो और इधर आओ। तो अनुपम क्या करता है, ठीक है माँ बोलता है, और क्या करता है, अपने कपड़े वगैरह बदल कर बिस्तर पर लेट जाता है। माँ, अनुपम खाना तैयार है, जल्दी आओ। या क्या कहती है माँ उसकी, कि हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर तुम क्या करो, गरम गरम खाना बनाया है और जल्दी आओ, खाना है ये नहीं। आपकी मम्मी भी आपको बोलती है, अगर आप स्कूल से घर जाते हो तो उसके बाद वो क्या करती है कि आपको बुलाती है, चाय नाश्ता वगैरह कराती है, है ना। ठीक उसी प्रकार अनुपम की माँ भी क्या करती है कि अनुपम, मैंने गर्मा गर्म खाना बनाया है, खाना है या नहीं। इस प्रकार वो क्या करती है, अनुपम को बुलाती है, और अनुपम जल्दी आ जाओ। तो अनुपम का मन नहीं होता, अनुपम फिर वो जब माँ देखती है, जाती है माँ उसके पास, तो उसके सिर से हाथ फेरती है कि आज मेरा बेटा उदास क्यों है। वो कहती है कि अनुपम क्यों उदास हो तुम, हाँ मुझे बताओ, तुम्हारे उदासी का कारण मुझे बताओ, ऐसा मुंह लटका कर आप क्यों खड़े हो। इस प्रकार माँ कहने के बाद जब अनुपम कहता है, देखिए उसका उदासी का कारण था
माँ रविवार को राघव का जन्मदिन है। सब दोस्त उसे कीमती उपहार देने की बात कर रहे थे। मैं उसे क्या दूँ, मेरे पास कीमती उपहार देने के लिए पैसे नहीं है। देखिए अनुपम का जो दोस्त राघव है उसका क्या है, जन्मदिन। जन्मदिन यानी कि बर्थडे, हाँ, जिसका उसका जन्मदिन है। और अनुपम के बाकी के दोस्त क्या करने वाले थे, एक कीमती यानी कि अच्छा कॉस्टली गिफ्ट देने वाले थे। लेकिन अनुपम के पास पैसे नहीं होती है, होता है तो अनुपम क्या करता है, उदास होकर घर चला आता है और अपनी माँ को वो बताता है कि माँ राघव का बर्थडे है और मेरे सब दोस्त राघव को कुछ कीमती गिफ्ट देने का सोच रहे हैं और मैं क्या दूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, है ना। तो अनुपम की ये बातें सुनकर उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है, देखिए बेटा उपहार की कीमत नहीं देखी जाती, राघव तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम उसे जो भी दोगे उसे अच्छा लगेगा। तो अनुपम खुश हो जाता है, सच माँ फिर मैं उसे क्या दूँ। जो अनुपम की माँ है वो क्या कहती है कि बेटा जो उपहार हम किसी को देते हैं उसकी कीमत नहीं होती, ठीक वैसे ही बच्चों अगर हम किसी को उपहार देते, किसी को गिफ्ट देते हैं, सिर्फ कोई भेंट वस्तु देना ये गिफ्ट होता है क्या, नहीं। किसी के चेहरे पर हंसी लाना ये भी सबसे बहुत ही बड़ा उपहार है ना। साथ ही साथ हम कुछ भी अपने हाथ से बनाकर अपने फ्रेंड्स को दे दें तो भी हम क्या कर सकते हैं, आप वो हमारा एक अनोखा एक यूनिक गिफ्ट साबित हो सकता है। तो वैसे ही जो अनुपम की मम्मी है वो क्या करती है कि अनुपम को समझाती है कि कीमती गिफ्ट देना यानी कि उपहार जो हम किसी को देते हैं उसकी कीमत नहीं देखी जाती, उपहार जो हम किसी को देते हैं उसकी कीमत नहीं देखी जाती। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा जो दोस्त राघव है वो सबसे अच्छा दोस्त है तो तुम उसे जो भी दोगे वो उसे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अनुपम खुश हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि फिर माँ मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ, क्या उपहार दूँ। तो देखिए माँ क्या बोलती है, बेटा तुमने अपने घर में लगे पौधे देखे हैं ना, क्यारी में चमेली के कई पौधे फूट आए हैं, कुछ में तो कलियां भी निकल आई हैं, क्यों ना इन्हीं में से एक दो पौधे राघव को दे दो। ठीक है माँ मैं चमेली का पौधा ही दूंगा। तो देखिए जो उसके अनुपम की माँ का जो आइडिया है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए एक सुंदर सा पॉट का डिज़ाइन बनाया है बच्चों, इसी प्रकार से आपके घर में भी फूल पौधे हैं, है ना। अगर वैसे ही आप अगर अपने फ्रेंड्स को कोई गिफ्ट करते हो या उपहार देते हो तो आपके फ्रेंड को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नेचुरल होता है और उसके पास वो हमेशा रहेगा। तो वैसे ही अनुपम की जो माँ है वो क्या कहती है अनुपम को कि हमारे घर में जो पौधे लगे हैं वो क्यारी में, क्यारी यानी कि पॉट होता है, क्यारी यानी कि क्या पॉट, हाँ, उस क्यारी में चमेली के कई पौधे फूट आए हैं। चमेली यानी कि मोगरा जैसा एक फूल होता है छोटा सा, उसको चमेली कहते हैं, और उस चमेली के पौधे फूट आए हैं, उसमें कलियां भी निकल आई हैं, यानी कि उसके उसके ऊपर कली भी निकल आई है, कल जाकर वो फूल बनकर खिलेगी, है ना। तो इस प्रकार का आइडिया कौन देती है अनुपम को, अनुपम की माँ, जो क्या कहती है कि तुम राघव को कुछ भी गिफ्ट दोगे कुछ भी उपहार दोगे तो उसे अच्छा लगेगा ही। और तुम क्या करो, हमारे आंगन में एक पॉट में चमेली के कई पौधे फूट आए हैं और उस पौधों में से कुछ पौधे तुम उसे भी दे सकते हो, एक दो पौधे तुम उसे दे सकते हो और उसमें सुंदर सुंदर कलियां भी निकल आई है ना। तो क्या करता है, जो माँ ने एक नया गमला उठाया उसे सुंदर रूप देने के लिए रंग ब्रश छोटे छोटे शीशे आदि ले आई। जो राघव की माँ है वो क्या करती है, एक छोटा सा गमला यानी कि पॉट, हाँ, जो लेती है और उसको उसमें क्या करती है, वो चमेली का पौधा लगाती है और उस पॉट को कलर करने के लिए सुंदर रंग ब्रश और उसमें शीशे
यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन बनाई इस प्रकार के यहाँ पर हम शीशे बिठा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गिफ्ट है वो अनोखा होना चाहिए, इसके लिए हम कुछ भी घर में कर सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार जो अनुपम की माँ है वो क्या करती है, राघव के लिए अनुपम को एक सुंदर सा गमला तैयार कर देती हैं। तो वो क्या कहते हैं, माँ इस गमले को सजाना है, तो माँ रंग ब्रश और शीशे लेकर आ रही है। वो देखने के बाद वो कहता है कि क्या माँ हमें इस गमले को सजाना है, तो माँ हाँ बेटा मैं गमले पर फूल पत्तियाँ बना देती हूँ, तुम उनमें रंग भर दो। तो उसके बाद माँ ने गमले पर सुंदर डिज़ाइन बनाई और अनुपम ने उसमें रंग भरे, शीशे आदि लगाकर गमला सुंदर बन गया। अब ये जो यहाँ पर आपको गमले का चित्र दिख रहा है, तो इसी प्रकार इस स्पॉट पर उन्होंने क्या किया, शीशे कलर कर मतलब सुंदर सा एक पौधे का डिज़ाइन, पौधे पर डिज़ाइन बनाया और उस गमले पर डिज़ाइन बनाया, और वो पौधा लेकर अनुपम कहाँ गया, राघव के यहाँ। तो अनुपम देखिए क्या देखा, माँ गमला कितना सुंदर दिख रहा है, वाह अब तुम चमेली के दो पौधे भी ले आओ। वो क्या करते हैं, उस गमले को सुंदर सा डिज़ाइन बनाने के बाद क्या करते हैं, उसमें क्या एक दो चमेली के पौधे भी लगाते हैं। तो अनुपम कहता है कि हाँ जी हाँ माँ बोलते हैं, और माँ और अनुपम मिलकर क्या करते हैं, गमले का माँ ने गमले में मिट्टी भरी, उस जो पॉट था उस पॉट में उन्होंने क्या किया, मिट्टी भरी और दोनों पौधे गमले में लगाकर थोड़ा सा पानी डाल दिया। चमेली की पीली कलियाँ नन्हे पौधों से झांक रही थी, गमला बहुत सुंदर लग रहा था। रविवार को अनुपम राघव के घर पहुंचा। देखिए किसी को गिफ्ट देना है, किसी को उपहार देना है, तो सिर्फ उसे मार्केट में जाकर पैसे ज़्यादा खर्च कर हम उपहार लेकर आते हैं क्या, नहीं, हमारे मन से भी हम कुछ अलग कर सकते हैं। यहाँ पर अनुपम के माँ ने अनुपम के लिए एक छोटा सा पौधा गमला बनाकर सुंदर सा गमला राघव के बर्थडे पर देने के लिए तैयार कर दिया है। उसी प्रकार हम भी अलग अलग अपनी सोच से हमारे फ्रेंड्स को हम कुछ भी उपहार दे सकते हैं, जैसे कि वो अनोखा लगे, यूनिक लगे, उसके साथ वो हमेशा रहे, है ना। हैंडमेड हम कुछ भी कर सकते हैं, तो बच्चों उसके लिए हमें बाजार जाकर पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो हम अपनी सुंदर सा डिज़ाइन बनाकर उसका ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से गमला या पौधा भी हम किसी अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दे सकते हैं, है ना। तो जो यहाँ पर अनुपम और उसकी माँ ने कितना सुंदर सा गमला बनाकर राघव को भेंट किया, और वो राघव को अच्छा भी लगा। तो अनुपम कहता है, देखिए प्रिय मित्र जन्मदिन की बधाई हो। अनुपम कहाँ गया है, राघव के जन्मदिन पार्टी पर गया है। वहाँ पर जाने के बाद वो जो गमला है, वो गमला वो क्या करता है, राघव को देते वक्त उसको बधाई देता है कि प्रिय मित्र जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे बधाई। इस प्रकार से राघव, धन्यवाद मित्र, वाह कितना प्यारा पौधा लाए हो तुम, इसमें तो फूल भी निकल आ रहे हैं, ऐसा अनोखा उपहार तो मुझे किसी ने नहीं दिया। अनुपम कहता है, धन्यवाद राघव। अनुपम मुस्कुराया, उसे लगा चमेली के फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। तो देखिए ये जो अनोखा उपहार है, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या कहने की कोशिश की है, अगर हम किसी के बर्थडे पार्टी पर हो, या किसी के गृह प्रवेश पर हो, या तो हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उनके कोई भी फंक्शन में अगर हम उपहार लेकर जाते हैं, तो उनको जो उपहार है वो अनोखा लगना चाहिए, है ना। अब वो अनोखा क्यों लगना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति हमारे मन में जो स्नेह है वो दर्शाने के लिए हो, या हम कितना उनसे प्यार करते हैं। आपको पता है आपके भाई बहन आज तो सभी तरफ कब सब हुआ है कि जो भी अपने भाई बहन होते हैं तो रात के 12 बजे सब मिलकर आपको क्या करते हैं, सरप्राइज देते हैं ना। उसी प्रकार आपको क्या करना है, अपने दोस्त के लिए आप अपने हाथों से जो कि अपने दोस्त को अनोखा लगे, यूनिक लगे, कुछ डिफरेंट लगे, है ना,
ऐसा गिफ्ट देने की कोशिश करो जो कि नेचुरल हो सकता है और वो उसके साथ हमेशा रहे। ठीक है बच्चों, ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है और अगली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।